एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटेंस सी एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इंडक्टेंस जीरो। अब ये कह रहा है कि देखो आपके पास एक कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस की बात करो तो इसका एक्सी जो होता है वो होता है 1/ωC, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, जेड की बात कर लो तो जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि अगर आपका ओमेगा ओमेगा वेरिएबल है और ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ओमेगा बढ़ाने पर एक्सी डिक्रीज, तो आपका जेड जो होगा डिक्रीज करेगा। अगर जेड डिक्रीज करेगा बच्चों तो आपका वी बाई जेड, जेड के डिक्रीज करने पे डेफिनेटली करंट राइज होगा, और करंट बढ़ेगा तो आपका जो बल्ब की ग्लो है वो ज़्यादा हो जाएगी आई स्क्वायर आर की वजह से, क्योंकि आई बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर कह रहा है कि ये एसी सोर्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस सी इज इन सीरीज, करंट जो है उस समय आई है, ठीक है। तो आई बराबर आपका क्या हो गया, वी बाई जेड, और ये हो गया वी, और जेड आपका हो गया यहाँ पर देखिएगा, अभी जेड को जेड ही रहने देते हैं, बस इस केस में मैं कह दे रहा हूँ भाई ये आई है तो इस समय जेड है, ठीक है, इसको बच्चों ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करा, ओमेगा चेंज कर दिया और ओमेगा हो गया ओमेगा बाई फाइव, तो ओमेगा प्राइम जो नया ओमेगा है वो हो गया ओमेगा बाई फाइव, तो डेफिनेटली ओमेगा चेंज करने पर आपका जेड भी चेंज हो जाता है, तो जेड प्राइम कह दिया मैंने, तो करंट जो है आपकी 1/4 हो गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन क्या चीज़ सेम रखी है इन्होंने, सेम आपका रखा है वोल्टेज, तो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z लिख सकता हूँ मैं, तो I2/I1 इज इक्वल टू हो जाएगा Z1/Z2, तो I2 आपकी हो गई 1/4, ठीक है, रेशो 1/4 का दे रखा, Z1 आपका Z ही है और Z2 आपका जो हो गया वो कुछ चेंज हो गया, तो उससे मैंने Z प्राइम लिख दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो जेड प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 4Z, ठीक है। डेफिनेटली आपका ओमेगा कम करने पर एक्स ए बड़ा होगा जिसकी वजह से जेड बढ़ गया होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो जेड प्राइम स्क्वायर उसको हो गया 16Z2। अब जेड पहले केस में क्या होगा, जेड आप ध्यान से देखिएगा, या मैं कह रहा हूँ सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा नया है ओमेगा बाई फाइव, माफ कीजिएगा यहाँ पर ओमेगा 1/ωC होता है, तो ओमेगा बाई फाइव यानी कि ओमेगा स्क्वायर बाई 25, और 25 हो गया ऊपर, 25 हो गया ऊपर, तो यहाँ पर आ गया इतना इज इक्वल टू होगा 16R², ठीक है, प्लस अब इस केस में ओमेगा है तो ये हो गया आपका 1/ωC². तो आपसे पूछा क्या है, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए। तो आप देखिए 1/ωC² को मैं वापस एक्स ही लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है 25 XC, दैट इज 24 XC², इसको इधर लाया, और ये हो गया आपका 16 - R, दैट इज 15R². तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है R/X, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस है, तो XC/R का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 15/24 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 5/5, तो यहाँ पे 5 और 8, ठीक है बच्चों। तो इसको और देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया था, यहाँ पर आएगा आपका 16/ωC², तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 16 XC², यहाँ पर 25 ही रहेगा ये इधर से कैंसिल करने पर। अब देखिए आगे की बात, तो ये हो जाएगा आपका 25 - 16, दैट इज 9 XC² इज इक्वल टू हो जाएगा 15R², तो XC² / R² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, ठीक है, 15/9, और XC/R बच्चों यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 15/9, दैट इज 5/3, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, तो आपका